लखनऊ सुपर जायंट्स वर्सेस दिल्ली कैपिटल। लखनऊ सुपर जायंट्स ने 3 मैच खेला, 1 हारा 2 जीता। बोला लखनऊ वाले हम जीत गए, मुस्कुराइए, लखनऊ जीत रहा है। दिल्ली कैपिटल की बात करें, 2 मैच खेला, 1 जीता 1 हारा। पहले मैच में तो बोला दिल्ली दिल वालों की है, लेकिन अगले मैच में दिल्ली के दिल टूट गए क्योंकि दिल्ली कैपिटल मैच हार गया। तो भाई लोग आज के मैच में क्या होगा, टाटा IPL 2022 मैच नंबर 15, कौन सी टीम आज का मैच कर पाएगी अपने नाम? क्या लखनऊ सुपर जायंट्स अपने फैन को बोलेगी मुस्कुराइए लखनऊ जीत गया, या फिर दिल्ली कैपिटल बोलेगी दिल्ली वालों अपने दिल आबाद कर लो दिल्ली जीत गया? आज की वीडियो में ना हम यही जानने की कोशिश करेंगे। अगर हम इस मैच की बात करें तो बहुत ही ज्यादा बराबरी का लग रहा है, समझ भी नहीं आ रहा कौन सी टीम मैच जीतेगी। लेकिन आपको टेंशन लेने की जरूरत ना है क्योंकि आपका भाई आपके साथ है। बस आपको करना क्या है, पूरी वीडियो बिना स्किप करे हुए देखनी है, आपको पता चल जाएगा जो आज का मैच होगा कैसे चलेगा, कौन सी टीम जीत सकती है आज का मैच। तो चले वीडियो स्टार्ट करें। ओके स्टार्ट करते हैं, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो अभी तक फैमिली का हिस्सा नहीं बने, तो भाई लोग चैनल को सब्सक्राइब करो और हमारी फैमिली का हिस्सा बन जाओ। आप सभी का वेलकम है। और सब लोग ना मिलकर करते हैं वीडियो को लाइक, जब आप लाइक करते हैं ना यहाँ दिल पे बात लगती है, इसलिए आपका भाई ना टेलीग्राम पर आपके फायदे के लिए जान लगा देता है। जिन लोगों ने मेरा टेलीग्राम ज्वाइन किया ना, बहुत ही फायदे में, आप जाके देख सकते हैं। आपको लग रहा होगा अच्छा ऐसा क्या तेरे टेलीग्राम पर, तो मेरी मत मानो, डिस्क्रिप्शन में जाओ, टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी, मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर डालो, 4-5 मैच में मेरे साथ काम करो, उसके बाद खुद डिसाइड करना। आपको इतना फायदा होगा ना, आप बोलोगे पहले ज्वाइन क्यों नहीं किया, तो कोई बात नहीं, अभी देर नहीं हुई, IPL के सभी मैचों में फायदे में रहना है, तो अभी मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर डालो। लेकिन एक चीज से सावधान रहे, फेक से, क्योंकि मेरे नाम पे ना बहुत ज्यादा फेक टेलीग्राम चैनल बना लिए गए, और आपको पता है जब सही जगह आएंगे तभी सही सही फायदा होगा। तो सही जगह कैसे आएंगे, डिस्क्रिप्शन में जो टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी, या जो कमेंट बॉक्स है ना, पहला जो कमेंट है वहां पे मेरे टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी। तो यही 2 जगह से, डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स के पहले कमेंट से मेरा टेलीग्राम ज्वाइन करें, इधर उधर और कहीं से ज्वाइन ना करें, क्योंकि सही जगह आएंगे तभी सही सही फायदा होगा। दोस्तों अगर हम इस मैच की बात करें, थर्सडे 7 अप्रैल इंडिया टाइम अनुसार 7:30 PM से आप इसका घमासान देख सकते हैं, और यह मुकाबला खेला जाएगा डॉक्टर DY पाटिल स्पोर्ट अकेडमी मुंबई में। IPL 2022 इस मैदान पे अभी तक 4 मैच खेले गए, जिसमें से पहले 2 मैच में टारगेट चेंज हुआ, अगले 2 मैच में टारगेट डिफाइंड हुआ। तो आज के मैच में क्या होगा, अगर हम यहाँ के एवरेज स्कोर की बात करें फर्स्ट इनिंग का, 275 रन, टारगेट चेंज की बात करें 271 से नीचे स्कोर बनेगा, तो आप समझ जाना 10 मैच में से 8 मैच में टारगेट चेंज हो सकता है। टारगेट डिफेंड की बात करें 187 प्लस स्कोर बनेगा, तो 10 मैच में से 8 मैच में टारगेट डिफेंड हो सकता है। दोस्तों अगर हम इस मैदान पे मैचेस की बात करें ना, तो ज्यादातर जो मैच होते हैं मीडियम स्कोरिंग होते हैं, हाई स्कोरिंग कभी कभी होता है और लो स्कोरिंग कभी कभी होता है, ज्यादातर मीडियम स्कोरिंग मैच होते हैं क्योंकि यहाँ की जो पिच है ना वो बैलेंसिंग है। शुरू में तो तेज गेंदबाजों के लिए बढ़िया होता है, लेकिन उसके बाद बल्लेबाजी के लिए अच्छा हो जाता है जब बॉल थोड़ा सा पुराना हो जाता है। लेकिन ड्यू नहीं आएगी तो पुराने गेंद से जो स्पिनर गेंदबाज है वो बढ़िया गेंदबाजी करते नजर आएंगे, लेकिन सेकेंड इनिंग में ड्यू भी आ जाती है तो होता क्या कि बल्लेबाजी के लिए और भी ज्यादा आसान हो जाता है। इसलिए यहाँ पे जो मैच होते हैं ना ज्यादातर मीडियम स्कोरिंग मैच होते हैं। अगर हम इस मैदान की बाउंड्री लेंथ की बात करें तो 54 से 75 मीटर की, एक साइड बड़ी एक साइड छोटी, तो चौके छक्के हो सकता है, थोड़ा सा ज्यादा देखने को मिल सकते हैं। अगर हम इस मैदान पे दोनों टीमों की परफॉर्मेंस की बात करें, लखनऊ सुपर जायंट्स ने 1 मैच खेला जीत गया, बोला मुस्कुराइए लखनऊ जीत गया। दिल्ली कैपिटल की बात करें, 1 मैच खेला यहाँ के मैदान पे हार गया, दिल्ली वालों के दिल टूट गए। लखनऊ वर्सेज दिल्ली की बात करें, इन दोनों के बीच में इस मैदान पे पहली बार टक्कर होगी, तो रिकॉर्ड की माने तो जो लखनऊ की शुरुआत हुई इस मैदान पे बढ़िया हुई, दिल्ली कैपिटल की बात करें खराब शुरुआत हुई। लेकिन आप सबको पता है जो रिकॉर्ड्स होते हैं या तो टूट जाते हैं या तो फिर नए रिकॉर्ड्स बनते हैं। आज के मैच में करंट परफॉर्मेंस के हिसाब से कौन सी टीम बढ़िया परफॉर्मेंस करेगी और जीतेगी आज का मैच, चलो अब हम ना यही जानते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं लखनऊ सुपर जायंट्स के, मार्कस स्टोनिस आ गए लेकिन इस मैच में आई थिंक नहीं खेल पाएंगे क्योंकि जो उनका क्वारंटीन पीरियड है अभी खत्म नहीं हुआ, तो मार्कस स्टोनिस खेल नहीं पाएंगे। तो मतलब साफ है लखनऊ सुपर जायंट्स के खेमे में कोई भी चेंज ना होगा, सेम प्लेइंग 11 के साथ ये टीम उतरने वाली है। अगर हम इनकी बल्लेबाजी की बात करें तो बल्लेबाजी बहुत ही सुपर डुपर चल रही है, कभी क्विंटन डिकॉक, एमएल लुइस बढ़िया बल्लेबाजी करके अपनी टीम को मैच जिता देते हैं, कभी के राहुल, दीपक हुडा और आयुष बदोनी अपनी टीम के लिए बढ़िया बल्लेबाजी करके मैच जिता देते हैं। लेकिन मनीष पांडे, पांडे जी आपको हो क्या गया है, आपने जितने मैच खेले सारे मैच फ्लॉप, तो पांडे जी को छोड़कर बल्लेबाजी जो इनकी है बढ़िया चल रही है। अगर गेंदबाजी की बात करें तो जो इनकी गेंदबाजी है दूसरे मैच को छोड़ के जो इनकी गेंदबाजी थी ना वो भी बढ़िया रही थी। पिछला मैच तो हार गए थे लेकिन आवेश खान की खतरनाक गेंदबाजी, एक ही ओवर में मैच पलट दिया, अपनी टीम को एक ही ओवर में मैच जिता दिया। तो ये है इनकी गेंदबाजी, गेंदबाजी भी बढ़िया चल रही है, इनके पास 6 ऑप्शन भी बन रहे हैं गेंदबाजी के और बल्लेबाजी भी 7-8 नंबर तक बढ़िया बल्लेबाजी दिख रही। तो लखनऊ सुपर जायंट्स कह रहा मुस्कुराओ, सब कुछ तो अच्छा है अपना। दिल्ली कैपिटल की बात करें तो इन्होंने 2 मैच खेला, 1 जीता 1 हारा,
है। अगर हम इस मैच में चेंजेस की बात करें, टीम शेफर्ड या मनदीप सिंह दोनों में से किसी एक की जगह पर डेविड वार्नर आपको खेलते नजर आएंगे। मुझे लगता है आई थिंक मनदीप सिंह की जगह पर आ सकते हैं, क्योंकि टीम शेफर्ड विदेशी प्लेयर है तो चार विदेशी प्लेयर के साथ उतरना चाहेंगे। मिशेल मार्च की बात करें, अभी फिटनेस की अपडेट नहीं आई तो मुझे नहीं लगता कि इस मैच में मिशेल मार्च खेलेंगे, जब फिट हो जाएंगे तब खेलेंगे। फिलहाल अभी सिर्फ डेविड वार्नर आएंगे, तो ये एक चेंज हो सकता है दिल्ली कैपिटल के कैमे में। अगर हम इनकी बल्लेबाजी की बात करें तो जो इनकी बल्लेबाजी है ना, जो टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज है, चाहे टीम शेफर्ड की बात कर ले, पृथ्वी शॉ की बात कर ले, अभी तक पृथ्वी शॉ का वो शो दिखा नहीं जिसके लिए जाने जाते। ऋषभ पंत की बात करें तो ये बल्लेबाज बढ़िया है, लेकिन इस सीजन अभी तक बढ़िया बल्लेबाजी नहीं कर पाया। तो जो इनकी बल्लेबाजी है ना, थोड़ा सा स्ट्रगल करती नजर आ रही दिल्ली कैपिटल के। यंग है लेकिन अच्छी बल्लेबाजी करनी पड़ेगी। आई होप डेविड वार्नर आ गए तो आई थिंक अब सब संभाल लेंगे। गेंदबाजी की बात करें तो इनकी जो गेंदबाजी है बढ़िया चल रही। खलील अहमद बहुत अच्छी गेंदबाजी करें, कुलदीप यादव बढ़िया गेंदबाजी करें, दफीज मुस्तफिजुर रहमान, इनका जो तोड़ है ना अभी तक किसी को मिला नहीं। गेंदबाजी बहुत अच्छी चल रही, लेकिन बल्लेबाजी अच्छी ना होने की वजह से एक मैच जीता है एक मैच हारा है। तो अगर हम यहाँ पे दोनों टीमों का कंपेरिजन करें ना कहीं दोनों टीमें एक जैसी ही नजर आ रही हैं। अगर हम इन दोनों टीमों के लास्ट सिक्स मैच की परफॉर्मेंस की बात करें तो लखनऊ सुपर जायंट्स ने 3 मैच खेला, 2 जीता बस एक मैच हारा, और इस दौरान जो इनका बल्लेबाजी एवरेज है 169 ठीक ठाक होता है T20 में। जो लखनऊ का बल्लेबाजी एवरेज है ठीक ठाक है, लेकिन हम बहुत जबरदस्त नहीं कह सकते, लेकिन खराब भी नहीं है। गेंदबाजी एवरेज की बात करें 8.19 ठीक ठाक होता है, लेकिन थोड़ा और बेहतर हो तो लखनऊ और भी ज्यादा मुस्कुराएगा। दिल्ली कैपिटल की बात करें, लास्ट के 6 मैच में 2 मैच जीता 4 मैच हारा, मतलब दिल्ली के साथ ज्यादा कुछ बढ़िया नहीं चल रहा। इस दौरान जो इनका बल्लेबाजी एवरेज है 164 ठीक ठाक कह सकते हैं, बहुत जबरदस्त नहीं कह सकते। खराब की बात करें तो थोड़ा सा मतलब खराब भी कह सकते हैं, लेकिन बहुत खराब नहीं कह सकते, ठीक ठाक है। इनका भी बल्लेबाजी एवरेज, गेंदबाजी एवरेज की बात करें 8.09, ये थोड़ा सा ना बेहतर है, क्योंकि 8.09 T20 में गेंदबाजी एवरेज होना, यानी जो इनके गेंदबाज है बढ़िया गेंदबाजी करें। तो अगर हम यहाँ पे दोनों टीमों का कंपेरिजन करें लास्ट 6 मैच के बिहार पर, हालांकि लखनऊ ने अभी तक 3 ही मैच खेला है, तो बल्लेबाजी में लखनऊ थोड़ा सा बेहतर और गेंदबाजी में DC थोड़ा सा बेहतर नजर आ रहा है। तो भाई लोग आज के मैच में क्या होगा, कौन सी टीम जीत का झंडा गाड़ेगी और जीत सकती है आज का मैच, चलो अब हम ना यही जानने की कोशिश करते हैं। लेकिन उससे पहले भाई का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, क्या सोच रहे हो यार, प्लीज जल्दी जल्दी अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर डालो, क्योंकि आप चैनल को सब्सक्राइब करते हो ना तो मेरा जो कॉन्फिडेंस लेवल है बहुत ज्यादा ऊपर जाता है, तो आपका भाई ना आपके लिए और भी ज्यादा मेहनत करता है। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर दो। तो भाई लोग सारी एनालिसिस करने के बाद क्रिकेट के नियमानुसार अगर हम इस मैच की बात करें, जो मैच है ना वो 50-50 है, 50 लखनऊ सुपर जायंट्स और 50 दिल्ली कैपिटल। लेकिन दोस्तों मुझे ऐसा लगता है जो आज का ये मैच होगा ना, लखनऊ सुपर जायंट्स अपने नाम पर कर सकता है। अकॉर्डिंग टू मी दिस मैच विल बी बीन टीम लखनऊ सुपर जायंट्स। लेकिन आपको पता ना कोविड का टाइम चल रहा, कोई प्लेयर इंजर्ड हो गया, किसी की तबीयत खराब हो गई, उस कंडीशन में क्या होता है भाई, सब टीम बदल जाती है। जब टीम बदल सकती है तो मैच विनर भी बदल सकता है ना। अगर ऐसा कुछ होता है तो मैच स्टार्ट होने के 2-3 घंटे पहले मैं अपने टेलीग्राम पर अपडेट कर देता हूँ। तो मेरा टेलीग्राम आपके लिए ज्वाइन करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जिन लोगों ने ज्वाइन किया ना बहुत ही फायदे में है। आप सोच रहे होंगे अच्छा ऐसा क्या तेरे टेलीग्राम पर, मेरी मत मानो, ऐसा करो डिस्क्रिप्शन में जाओ, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी। IPL के 4-5 मैच में मेरे साथ काम करो, आपको खुद समझ में आ जाएगा। आप बोलोगे अरे बहुत फायदे हो रहे, पहले ज्वाइन क्यों नहीं किया, तो कोई बात नहीं, अभी देर नहीं हुई। IPL के सभी मैच में फायदे में रहना है तो मेरा टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करें। लेकिन एक चीज का ध्यान रखें, फेक से सावधान। मेरे नाम पे ना बहुत सारे फेक टेलीग्राम चैनल बना लिए गए हैं, और आपको पता है जब सही जगह आएंगे तभी सही सही फायदा होगा। तो इसलिए इधर उधर और कहीं से मेरा टेलीग्राम ज्वाइन करने की कोशिश ना करें। आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी, उसके बाद जो कमेंट बॉक्स है, जो पहला कमेंट होगा उस पर मेरे टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी। तो बस यही दो जगह से, डिस्क्रिप्शन में से या भी जो कमेंट बॉक्स का पहला कमेंट है यहीं से ज्वाइन करें, तभी सही जगह आएंगे। और दोस्तों आपको पता, जब सही जगह आएंगे तभी सही सही फायदा भी होगा। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज कर दो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर दो सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले मैच की प्रेडिक्शन के साथ, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू।